बीच ट्रंप से फेसबुक इंस्टाग्राम पर बैन हटा, 2021 में लगी थी पाबंदी। मेहता का बयान, सभी को प्रचार का मिलना चाहिए मौका। चीन में इंडियन एम्बेसी ने भारतीय एसएमई कंपनियों को किया सतर्क, कहा चीनी कंपनियों के साथ बिजनेस की दे जानकारी। विदेशों में अफगान राजनयिकों को तालिबान ने किया सस्पेंड, पासपोर्ट और वीजा के लिए आईईए से करना होगा संपर्क। ओलंपिक में पुरुषों की ट्रायथलॉन इवेंट पर संकट, आज का इवेंट कैंसिल, सी नदी का पानी खराब होने से फैसला। 5 दिवसीय चीन दौरे पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन और तंजानिया की सेना ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास, दोनों देशों के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद निकोलस मादुरो का बयान, कहा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर होगा सरकार का फोकस। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साउथ कोरियाई समकक्ष से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला के एक लॉन्चर को किया तबाह, बमबारी का वीडियो जारी किया। हिजबुल्ला ने यहीं से गोलान हाइट्स पर दागे थे रॉकेट। इसराइल ने दक्षिण लेबनान के शबा कस्बे पर की शेलिंग, सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हमले की आशंका के चलते लेबनान ने कई फ्लाइट्स की कैंसिल, एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए पैसेंजर्स। रूस के वोल्गाग्राद में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतरी, कम से कम 100 यात्री हुए घायल, 20 बोगी वाली ट्रेन में सवार थे 800 से ज्यादा यात्री। ब्रिटेन में बच्चों की डांस और योग क्लास में चाकूबाजी की घटना, कम से कम 2 बच्चों की मौत, 9 लोग घायल, आरोपी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री के स्टावर ने योगा क्लास में हमले की निंदा की, बोले आरोपी पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। जापान के एक होटल में जहरीला खाना खाने से 150 लोग बीमार, लोगों की शिकायत पर जांच में जुटा प्रशासन। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्र, छात्र के विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए माफी मांगने और नेताओं को रिहा करने की मांग रखी। मैक्सिको में अगवा किए गए 43 छात्रों के परिजनों की मांग, जांच में तेजी लाकर आरोपियों को के खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार के खिलाफ सवैया के कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग, यूरोपीय संघ के साथ लिथियम खनन डील को लेकर विरोध जताया गया। चीन के हुनान में मूसलाधार बारिश, तूफान पर नदी नाले, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। भारी बारिश के बाद अमेरिका के एक पार्क में तेजी से घुसा बाढ़ का पानी, कई गाड़ियां डैमेज।